हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से MDR में। और आज हम बात करने वाले हैं इस ब्लूटूथ किट से जो नॉइज़ क्रिएट होती है। बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने कमेंट किया है कि ब्लूटूथ किट से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है, तो उसको कम कैसे करें। तो आज हम देखने वाले हैं उसको कम कैसे करें। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये वाले ब्लूटूथ किट यूज़ कर रहे हैं तो आप इस नॉइज़ को नहीं हटा पाएंगे। उसका सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है कि आप इस ब्लूटूथ किट को निकाल कर एक अच्छी जो ब्रांडेड या फिर अच्छी कंपनी की हो, जिसमें अच्छी क्वालिटी का ब्लूटूथ यूज़ हुआ हुआ हो, ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ हुआ हो, आप उसको यूज़ करिए। जैसे कि ब्लूटूथ 4.0 पर कुछ ब्लूटूथ किट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, आप उनको परचेज करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर हम इस 4.1 को किट को इस ब्लूटूथ किट से कनेक्ट करते हैं तो कैसी एक साउंड जो है वो ये प्रोड्यूस करता है नॉइज़ की। तो अभी आप देख सकते हैं, आप दूसरी प्रॉब्लम ये है, ये जो बहुत तेजी से वॉल्यूम होती है ब्लूटूथ मॉड और ब्लूटूथ पेयर्ड ऑक्स और ये सब जो होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है इसमें। क्योंकि ये पहले से ही इसको प्रोग्राम किया गया है कि जैसे ही ब्लूटूथ मोड आएगा तो ब्लूटूथ मोड ऐसे बोलेगा, ऑक्स सेलेक्ट करेंगे तो ऑक्स बोलेगा, लेकिन उसमें इन्होंने वॉल्यूम लेवल जो है वो बहुत हाई किया हुआ है। तो अभी हम देखते हैं इसमें कैसी नॉइज जनरेट हो रही है। आप सुन सकते हैं ये जो आवाज है, ये जो नॉइज है ये जनरेट होती है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए मैं आज आपको कुछ करके दिखाने वाला हूँ। वो भी एक सस्ता ब्लूटूथ मॉड्यूल अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन उसमें नॉइज़ बहुत कम है। और जैसा कि इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमारे पास USB है, TF कार्ड है यानी कि मेमोरी कार्ड, आप यहाँ पर लगा कर डायरेक्टली चला सकते हैं, ऑक्स से चला सकते हैं, और इसमें हमारे पास कुछ स्विचेज हैं और हमें रिमोट भी इसमें मिलता है। तो इसको मैं रिप्लेस करने वाला हूँ एक ब्लूटूथ से, और वो ब्लूटूथ है ये एक बहुत छोटा सा ब्लूटूथ है, आप देख सकते हैं मेरे पास ये दूसरा ब्लूटूथ अवेलेबल है। ये बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा साइज़ है और इसमें नॉइज़ बहुत कम है। तो आइए मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखा देता हूँ और देखते हैं इसमें कितना ज़्यादा नॉइज़ है और इसकी साउंड क्लियर कैसी है। अभी आप देख सकते हो मैंने इसमें ये ब्लूटूथ किट जो है वो मैंने इसमें कनेक्ट कर दी है। ये मैंने पावर सप्लाई कनेक्ट किया है और ये मैंने इनपुट कनेक्ट किया है इस बोर्ड में। तो आइए इसको पेयर करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के साथ। तो अभी मैं पावर ऑन कर देता हूँ, अब पावर ऑन हो चुकी है और आप देख सकते हो इसमें उसके कंपैरिजन में नॉइज़ कितना कम है, बहुत कम है। और ये नॉइज़ को अभी हम ख़त्म कर सकते हैं, ये देखिए बहुत कम हो जाता है। जैसे ही मैं हीट सिंक को टच कर देता करता हूँ तो नॉइज़ बहुत कम हो जाती है। और ये जो नॉइज़ है ये पावर सप्लाई की कमी वजह से होती है, जो ये नॉइज़ है इसको हम कैसे कम करते हैं वो भी हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी हम इस ब्लूटूथ को चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिएगा, मैं अभी ब्लूटूथ सर्च कर रहा हूँ, ये यही है ब्लूटूथ 3.0। और ये देखिए इसमें जस्ट ये जो बीप बजी थी अभी आपने सुना था, ये जस्ट हमें कनेक्शन की कंफर्म की बीप थी। अभी हम इसमें कोई सॉन्ग प्ले करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं ये पंजाबी सॉन्ग अभी प्ले करने वाला हूँ और आप देखिए नॉइज़ बहुत कम है। और आपको सेम पता ही, अगर मैं ज़्यादा देर तक इस सॉन्ग को चलाऊंगा तो कॉपीराइट इश्यूज़ होंगे और मुझे मे बी ये या तो यहाँ पर वॉल्यूम कम करनी पड़ेगी या फिर मुझे ये वीडियो डिलीट करनी पड़ेगी। और मैं अभी इसमें एक एक नॉन कॉपीराइटेड सॉन्ग आपको प्ले करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये सॉन्ग मैं प्ले करने वाला हूँ। तो ना आप नॉइज़ देखिए, उसके कंपैरिजन में बहुत कम नॉइज़ है इसमें। और ये किट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आप इसमें सिर्फ ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, बाकी इसमें आप USB या फिर मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव इसमें आप नहीं लगा पाएंगे। लेकिन इसकी ब्लूटूथ की परफॉर्मेंस इस किट के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। इसमें वो नॉइज़ जनरेट होती है, बहुत बुरा लगता है उस नॉइज़ को सुनने में, बहुत ही इरिटेट करती है वो नॉइज़। तो उसकी जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये सस्ता भी है, ये उसके कंपैरिजन में कम प्राइस का है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लूटूथ है। तो एक बार हम फिर से इसमें प्ले करेंगे सॉन्ग।
दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।